हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा कोई समर स्पेशल वेट लॉस ड्रिंक बताओ जो कि शरीर में बिल्कुल भी गर्मी पैदा ना करे, कोई गर्म चीज़ ना हो जिसमें, और बहुत अच्छे जिसके इफेक्ट हों। तो हेयर आई एम विद द वीडियो, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा अमेजिंग वेट लॉस ड्रिंक जिसे अगर आप एक महीना यूज़ करेंगे तो आराम से वो आपकी बहुत सारी कैलोरीज भी बर्न करेगा। 3 to 4 kg आप आराम से लूज़ कर पाओगे बिना किसी डाइटिंग के, क्योंकि ये हर एक लेवल पे काम करेगा। आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाएगा, फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करेगा, और आपके लिवर, आपके गट की हेल्थ को भी सुधारेगा, आपकी क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करेगा। तो जितने भी कारण हो सकते हैं आपके शरीर में मोटापे के बढ़ने के, उन सबको दूर करेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो ध्यान से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आई एम श्योर मेरी ये दुआएं आप तक ज़रूर ज़रूर पहुंच जाती हैं। तो चलिए, इसका पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है पानी। हमें चाहिए 350 grams ऑफ वाटर, तकरीबन 1.5 glass पानी आप लेंगे, एक पैन में डालेंगे। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जीरा। जीरा हम सबके घर में, किचन में पाया जाता है, सब्जी में मसाले के तौर पर यूज़ करते हैं। और इसी जीरे में ना आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की बहुत सारी खूबियां हैं। जी हाँ, लोग डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं मार्केट से महंगे महंगे खरीद के, 200, 300, 400 रुपए के, बट जीरे से बढ़िया डिटॉक्सिफायर आपके लिए नहीं है, चाहे वो लीवर के डिटॉक्स की बात हो, चाहे आपके गट के डिटॉक्स की बात हो। और यही दो चीज़ें हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन भूमिका अदा करती हैं। तो जीरा लेंगे, कितना, तकरीबन 1/2 चम्मच जीरे को आप इस पानी में डालेंगे। और डिटॉक्स तो करता ही है जीरा, और साथ ही साथ ये आपके लिवर में डाइजेशन से रिलेटेड एंजाइम्स को भी बूस्ट करता है, जिससे डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है, गट हेल्थ सुधरती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो ओवरऑल हेल्थ सुधरने लगती है, आपके शरीर में फैट स्टोर नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिक रेट भी इसकी वजह से बढ़ता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जीरा, दूसरा इंग्रेडिएंट ये पत्ते, जिसे हम कड़ी पत्ते के नाम से जानते हैं, करीज में आप यूज़ करते हो, फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज से भरे हुए होते हैं ये करी पत्ते। इनमें एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी फैट बर्निंग को स्पीड अप करते हैं ये पत्ते। साथ ही साथ जिनको डायबिटीज़ है, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके लिए ये पत्ते बहुत अच्छे हैं। डायबिटीज़ की वजह से अक्सर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ जाता है, तो ये पत्ते इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा करके आपके शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। दूसरी चीज़, ये करी पत्ते आपके हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। कुछ समय पहले रिसर्च हुई थी करी पत्ता पर, 20 लेडीज़ के ग्रुप को हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से कंसीव नहीं कर पाई थी, उनको करी पत्ते खाने को दिए गए, एम्प्टी स्टमक 50 करी पत्ते उनको खाने थे। एंड रिसर्च में पाया गया उन 20 लेडीज़ में से 17 लेडीज़ कंसीव कर पाई, क्योंकि उनके हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगे, फर्टिलिटी रेट उनका बढ़ गया करी पत्ते की वजह से, आज उनके पास बेबीज है। कैन यू इमेजिन, करी पत्ता आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। जिनको PCOD है, PCOS है, जिनको थायराइड है और जिनको शुगर है, उनके लिए करी पत्ते रामबाण के बराबर है। अब करी पत्ते डालेंगे, 2 टहनियाँ लेंगे इनकी, तकरीबन 30 से 40 पत्ते होंगे, वो हम इस पानी में डाल देंगे। अगला इन्ग्रीडियंट है सौंफ। सौंफ क्या करता है, आजकल ना बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड मोटापा है, मतलब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी में होते हैं। अब क्या करते हैं, जब एंजाइटी में होते हैं तो कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती हैं, राइट? उन क्रेविंग्स के चलते वो स्नैकिंग करते हैं, बहुत सारी बिंज ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ने लगता है। तो ये स्ट्रेस भी मोटापे का एक कारण है। एक तो ये बिंज ईटिंग को बढ़ाता है, दूसरा स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में डोपामाइन कम रिलीज होता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो आपके फैट सेल्स ज़्यादा बनते हैं। तो स्ट्रेस और क्रेविंग्स दोनों को रिड्यूस करता है सौंफ। 1 चम्मच भर के हम सौंफ डालेंगे, ठंडी प्रकृति का होता है, डाइजेस्टिव जूसेस के निर्माण में सहायक होता है। कई लोगों को एसिडिटी होती है, ब्लॉटिंग हो जाती है खाना खाने के बाद, और बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं। ये ड्रिंक पियेंगे तो बिल्कुल हैवी नहीं फील होगा, साथ ही साथ आपका वेट लॉस होगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, और वो है धनिये के बीज। ये धनिये के बीज
वाटर रिटेंशन वाले मोटापे को कम करते हैं। कई लोगों के शरीर में ना पानी भर जाता है, मतलब हमेशा बॉडी सूजी सूजी रहती है, फुलावट वाला मोटापा होता है। खाते एक रोटी है लेकिन ऐसा लगता है कि 6 रोटी खाते हैं शायद, वेट इतना बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपके शरीर में वाटर रिटेंशन की वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है तो धनिया जो है वो उसको कम करता है, आपके शरीर में वाटर रिटेंशन नहीं होने देता है। साथ ही साथ टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। जब बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है और साथ ही साथ आपके वजन में भी कमी आती है। तो धनिया लेंगे तकरीबन 1 चम्मच, सारी चीज़ें पानी में उबलने देंगे। कब तक? जब तक कि पानी 1 ग्लास नहीं रह जाता, उसके बाद आप पानी को छान लेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं करेंगी, गर्मी में आराम से इन्हें पीजिए, बिल्कुल भी ये सोचे बिना कि इससे बॉडी में ज़्यादा हीट जनरेट होगी और गर्मी ज़्यादा लगेगी या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स आ जाएंगे। नो, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, गर्मी के लिए कूलिंग एजेंट्स भी हैं। तो आपने ये पानी छान लिया, ल्यूकवॉर्म हो जाए जब ये पानी, तो इसमें आप 1/2 लेमन मिला लें। जिनको लेमन सूट नहीं करता वो 1/2 चम्मच आंवला पाउडर मिला सकते हैं। आंवला पाउडर भी सूट नहीं करता तो ऐसे ही इस ड्रिंक को ले सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना। मॉर्निंग में इसे आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वो पहले थायराइड की मेडिसिन लेंगे, उसके 15-20 मिनट के बाद ये ड्रिंक लेंगे, और ड्रिंक लेने के 30 से 40 मिनट तक आपने कुछ नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ठीक है। ये ड्रिंक और कुछ भी खाने के बीच में 30 से 40 मिनट का आपने गैप रखना है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना है। कोई भी इसे ले सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आपकी एज 16, 18, 20 ईयर्स हो, चाहे 50, 60, 70 ईयर्स हो, कोई भी इसे ले सकता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा ये ड्रिंक, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके मूड को अपलिफ्ट करेगा, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपकी स्किन के दाग धब्बे भी घटाएगा ये ड्रिंक। और जिनको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर करी पत्ता है, और ये दोनों ही चीज़ें आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करती है, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस होगा, बालों की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो इसको आज से ही कंज्यूम करना शुरू कर दीजिएगा और कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर मुझे बताइएगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा, बिकॉज मेरी मोटिवेशन का जरिया बनता है आपका एक लाइक। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताएं, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलूंगी आपसे एक बहुत ही उम्दा और नायाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।